नमस्कार, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 6 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कपड़े की दुकान। इसमें अमर और अनीता अपने माता पिताजी के साथ कपड़े की दुकान पर जाते हैं। वहां क्या क्या घटित होता है, आइए देखते हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ 13, कपड़े की दुकान। इसके अंतर्गत हम आओ, आइए, आना, मुझे, चाहिए इत्यादि शब्दों का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि कपड़े की दुकान पर उनका क्या वार्तालाप होता है। अमर, माँ, दिवाली के अवसर पर मेरे लिए कौन सा कपड़ा खरीदोगी? माँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताना बेटे। आज शाम को हम लोग बाजार चलेंगे। बाजार तो सब जानते हैं ना क्या होता है। हम अपने सामान खरीदने के लिए इस जगह पर जाते हैं। अमर, मैं भी बाजार चलूंगा माँ, मैं अपनी पसंद के कपड़े लूंगा। अनीता, मैं भी चलूंगी। पिता, हाँ बेटे, तुम दोनों तैयार हो जाना। चारों बाजार जाते हैं, कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं। चित्र में देखिए किस प्रकार माँ पिताजी और अमर अनीता कपड़े की दुकान पर बैठे हैं। दुकानदार, आइए विनोद भाई, नमस्कार। पिता, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? दुकानदार, आप सभी की शुभकामना से ठीक हूँ, आइए बैठिए। माँ, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। दुकानदार, अभी दिखाता हूँ बहन जी। वीरू, साहब के लिए चाय पानी ले आओ। माँ, नहीं नहीं, चाय नहीं, सिर्फ पानी लाना। पिता, बेटी के लिए सूट का कपड़ा दिखाइए और पैंट शर्ट के कपड़े भी। अमर बेटे, तू अपनी पसंद के कपड़े देखना। दुकानदार, नए पैंट पीस भी आए हैं, वीरू अच्छे कपड़े निकाल लाओ। अमर, अनीता, तुम अपने लिए कपड़ा पसंद कर लो। दुकानदार, बेटे, यह पैंट का कपड़ा देखो, यह बहुत अच्छा है। अमर, नहीं, यह मुझे पसंद नहीं है, दूसरा कपड़ा दिखाइए। अनीता, माँ, यह सूट बहुत अच्छा है। माँ, हाँ, यह रंग अच्छा है, लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है। दुकानदार, यह लीजिए, बढ़िया कपड़े में, बिल्कुल नया नया आया है। माँ, इसका कपड़ा ठीक है। अमर, तुम्हें यह कपड़ा पसंद है? अमर, हाँ, अच्छा है माँ। माँ, तेरी पसंद अच्छी होती है बेटे। अनीता, और मेरी पसंद माँ? माँ, तेरी पसंद भी। पिता, दोनों कपड़े पैक कर दीजिए। दुकानदार, वीरू, ये कपड़े पैक कर दो, यह लीजिए आपका बिल। पिता, धन्यवाद। आइए अब हम गतिविधि करते हैं। पढ़ो और बोलो। बाजार, दूसरा शब्द दुकान, कपड़ा, अच्छा, अपना, दूसरा, चाहिए, नमस्ते, धन्यवाद, सिर्फ, जल्दी, ठीक, लाना, रहना, खरीदना, पसंद है, सूट का कपड़ा, पैंट शर्ट के कपड़े। इन सभी शब्दों का हमने इस पाठ में अध्ययन किया है। पढ़ो और समझो। तुम और आप के प्रयोग। तुम, आओ, आप,
आइए, जब हम अपने से छोटे और अपने बराबर के व्यक्तियों से बात करते हैं, तब हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं और अपने से बड़ों को हम सम्मान प्रकट करने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है तुम्हें। क्या चाहिए? इसके स्थान पर आपको क्या चाहिए? अगला शब्द तुम्हारा। नाम क्या है? इसके स्थान पर आपका नाम क्या है? इन सभी उदाहरणों में हमने तुम, तुम्हें, तुम्हारा के स्थान पर आप, आपको, आपका प्रयोग किया है। आइए अब हम कुछ और शब्दों का अध्ययन करते हैं। तू, आप, आप, आ, आओ, आइए, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब भी हम सम्मान प्रकट करते हैं, तब हम आ के स्थान पर आओ या आइए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार तू के स्थान पर आप और आपका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कुछ और शब्द हैं। बैठ, बैठ के स्थान पर बैठो या बैठिए का प्रयोग करेंगे। देख के स्थान पर देखो, देखिए। पढ़, पढ़ के स्थान पर पढ़ो या पढ़िए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कुछ और शब्द हैं। दे के स्थान पर सम्मान प्रकट करने के लिए हम दो और दीजिए का प्रयोग करेंगे। पी, पी के स्थान पर पियो और पीजिए का प्रयोग करते हैं। कर, कर के स्थान पर करो या कीजिए का प्रयोग करेंगे। ले, ले के स्थान पर लो या लीजिए का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम कुछ समानार्थी शब्दों का अध्ययन करते हैं। पहला शब्द चिंता, जिसका समानार्थी है फिक्र। दूसरा जल्दी, जल्दी का समानार्थी शीघ्र। धन्यवाद, धन्यवाद का समानार्थी शुक्रिया। सिर्फ, सिर्फ का समानार्थी केवल। आइए अब हम विलोम शब्दों का अध्ययन करते हैं। नया, जिसका विलोम शब्द है पुराना। दूसरा शब्द जल्दी, जिसका विलोम है धीरे। अच्छा, जिसका विलोम है बुरा। खरीदना, जिसका विलोम है बेचना। इन सभी समानार्थी व विलोम शब्दों का हमने इस पाठ में अध्ययन किया है। आइए अब हम गतिविधि करते हैं। नमूने के अनुसार लिखो। उदाहरण, झूठ मत बोलो। इसके स्थान पर सम्मान प्रकट करने के लिए आप झूठ मत बोलिए। पहला वाक्य है, कच्चे आम मत खाओ। इसके स्थान पर आप कच्चे आम मत खाइए। दूसरा वाक्य है, तुम अंदर मत आओ। इसके स्थान पर आप अंदर मत आइए। तीसरा वाक्य है, तुम यहाँ मत बैठो। इसके स्थान पर आप यहाँ मत बैठिए। चौथा वाक्य है, कक्षा में शोर मत करो। इसके स्थान पर कक्षा में शोर मत करिए। पांचवा वाक्य है, कूड़ा इधर उधर मत फेंको। के स्थान पर कूड़ा इधर उधर मत फेंकिए। चलिए
हम दूसरी गतिविधि करते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। शब्द हैं धन्यवाद, सिर्फ, नमस्ते, परसों, चिंता। आइए अब वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, रसूल ने कहा, रिक्त स्थान, विनोद भाई आइए। शब्द है, रसूल ने कहा, नमस्ते, विनोद भाई आइए। चलिए अब पाठ के आधार पर दूसरे वाक्य को पूरा करते हैं। दीपावली का त्योहार कल नहीं, रिक्त स्थान है। दीपावली का त्योहार कल नहीं, परसों है। सही शब्द है परसों। तीसरा वाक्य, मोहन रिक्त स्थान न करो, हम तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आएंगे। सही शब्द है चिंता, मोहन चिंता न करो, हम तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आएंगे। चौथा वाक्य है, कोई तुम्हारी मदद करे तो कहना चाहिए। सही शब्द धन्यवाद, कोई तुम्हारी मदद करे तो कहना चाहिए धन्यवाद। पांचवा वाक्य है, मुझे शरबत नहीं, रिक्त स्थान ठंडा पानी दीजिए। सही शब्द है सिर्फ, मुझे शरबत नहीं सिर्फ ठंडा पानी दीजिए। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। उदाहरण, यह पत्र अभी भेजो। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द यह का प्रयोग हुआ है, हम यह के स्थान पर वह का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करेंगे। वह पत्र कल भेजना। पहला वाक्य, यह काम अभी करो। यह के स्थान पर वह के प्रयोग के साथ वाक्य है, वह काम कल करना। दूसरा वाक्य है, ये फल अभी खाओ। ये के स्थान पर वह फल कल खाना। तीसरा वाक्य, यह पाठ अभी पढ़ो। वह पाठ कल पढ़ना। ध्यान देने योग्य बात है कि यह के स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया है और अभी के स्थान पर हमने भविष्यकाल का शब्द कल प्रयोग किया है। वाक्य इस प्रकार है, वह पाठ कल पढ़ना। चौथा वाक्य है, वे चीजें अभी लाओ। वे के स्थान पर ये चीजें कल लाना। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। उदाहरण, सलमा के पास किताब नहीं है। किताब नहीं है के स्थान पर हम उसकी आवश्यकता को प्रदर्शित करने के लिए वाक्य का निर्माण करेंगे, सलमा को किताब चाहिए। पहला वाक्य है, अमर के पास पैंट नहीं है। अमर को पैंट चाहिए। इन वाक्यों में हम चाहिए का प्रयोग सीखेंगे। दूसरा वाक्य है, शोभा के पास घड़ी नहीं है। शोभा को घड़ी चाहिए। तीसरा वाक्य, गोपालन के पास कैमरा नहीं है। चाहिए के प्रयोग के साथ वाक्य, गोपालन को कैमरा चाहिए। चौथा वाक्य है, आशा के पास कलम नहीं है। आशा को कलम चाहिए। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं, पिताजी को गरम चाय चाहिए के स्थान पर हम वाक्य का निर्माण इस प्रकार करेंगे,
पिताजी को गरम चाय दीजिए। इन वाक्यों में हम दीजिए शब्द का प्रयोग सीखेंगे। पहला वाक्य है, सुधा को किताब चाहिए। वाक्य इस प्रकार है, सुधा को किताब दीजिए। दूसरा वाक्य, लड़कों को फुटबॉल चाहिए। के स्थान पर लड़कों को फुटबॉल दीजिए। तीसरा वाक्य, मुझे ताजे फल चाहिए। दीजिए के प्रयोग के साथ मुझे ताजे फल दीजिए। प्रश्नोत्तर कार्य। आइए अब हम पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्न, कपड़े खरीदने कौन कौन गए? बताइए जरा, कपड़े खरीदने कौन कौन गए? उत्तर, कपड़े खरीदने अमर और अनीता अपने माता पिता के साथ गए। दूसरा प्रश्न, दुकानदार ने कैसे कपड़े दिखाए? कैसे कपड़े दिखाए थे? उत्तर, दुकानदार ने नए पैंट पीस तथा अच्छे कपड़े दिखाए। अगला प्रश्न, माँ को सूट का कपड़ा क्यों पसंद नहीं आया? उत्तर, सूट का कपड़ा मुलायम तथा अच्छा नहीं होने के कारण माँ को सूट का कपड़ा पसंद नहीं आया। अगला प्रश्न, दिवाली पर अमर को क्या चाहिए? क्या चाहिए था दिवाली पर अमर को? उत्तर, सही कहा, दिवाली पर अमर को अपनी पसंद के नए पैंट चाहिए। आज हमने पाठ 13 कपड़े की दुकान का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, दीजिए, चाहिए, वह, यह के प्रयोग को जाना। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे। नमस्कार।